हाय दोस्तों, मेरा नाम है किशोर भाई। आप देख रहे टिक विंडोज, चलिए देखते हैं। तो आज का जो कंपैरिजन है, IP68 नाम तो आपने सुना ही होगा, महंगा वाला जो स्मार्टफोन होता है, फ्लैगशिप फोन, उसमें आईपी रेटिंग आता है 57, 68, 67। आईपी रेटिंग और 5ATM के बीच में आज कंपेयर करेंगे इसको। 5ATM मतलब अभी जो नया स्मार्ट वॉच आ रहा है, उसमें से हर एक स्मार्ट वॉच में 5ATM5 का प्रोटेक्शन आता है। तो आईपी रेटिंग का मतलब क्या है? आईपी मतलब आई मतलब इनग्रेस, पी मतलब प्रोटेक्शन। इनग्रेस मतलब क्या होता है कि अंदर में कुछ आने वाला चीज़ को इनग्रेस बोलता है, प्रोटेक्शन मतलब जो प्रोटेक्ट करेगा। तो आपने हमेशा देखा होगा कि किसी स्मार्टफोन में IP67 IP68 रहता है। एक्चुअली मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये चार्ट क्या है। आईपी हो गया रेटिंग, इनग्रेस, प्रोटेक्शन, उसके बाद जो सिस्टम होता है 2 डिजिट का, पहला वाला डिजिट जो होता है, जो कि मान लीजिएगा मेरे फ़ोन में IP67 है, तो 6 का मतलब क्या होता है, 6 होता है सॉलिड, और सेकेंड वाला जो होता है 8, वो होता है लिक्विड। अब सॉलिड का मतलब क्या होता है, डस्ट वगैरह, जो कि डस्ट जो होता है, धूल फूल, उसके लिए सॉलिड। लिक्विड मतलब वाटर, जैसे होता है ऑयल वाटर, आप जो भी बोलेंगे, अब लिक्विड जो ये है, तो ये हो गया आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में फर्क। 60 किसी का फ़ोन में मान लीजिए, जो चार्ट देखिए, सबसे जीरो में होता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आईपी के बाद अगर किसी के फ़ोन में 01 नो प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद 1 होगा कि 50 मिलीमीटर तक कुछ चीज़ वो आपके फ़ोन में या फिर किसी डिवाइस में जा सकते हैं, 1 हो गया। उसके बाद जैसे नंबर बढ़ते जाएगा, 2, 3, 4, 4 का मतलब क्या है कि 1 मिलीमीटर तक कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा आपको फ़ोन में नहीं जाएगा। अच्छा, अब सबसे टॉप वाला जो रेटिंग है IP66 का मतलब क्या होता है कि आपका फ़ोन पूरा डस्ट प्रोटेक्शन है, कोई भी अंदर में कुछ भी धूल फूल नहीं जाएगा, पूरा डस्ट प्रोटेक्शन है। ये हो गया 6 का रेटिंग। 6 के बाद आता है आप लिक्विड में चला जाते हैं। लिक्विड में 0 है, 0 नो प्रोटेक्शन। 1 में क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी का अगर बूंदे फ़ोन में अगर गिर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद 3 में क्या होता है कि आप 60 डिग्री तक कुछ एंगल में कुछ स्प्रे कर रहे हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन झेल लेगा आपका फ़ोन। उसके बाद नंबर बढ़ते जाएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 6 का मतलब क्या है कि अगर वाटर का प्रेशर जो है थोड़ा बहुत ज़ोर से अगर किसी फ़ोन में अगर पड़ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 का मतलब क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है वो मान लीजिए 7 में 1 मीटर तक पानी में रहेगा, 30 मिनट तक फोन में आप उसको रह सकते हैं। अब सबसे लार्ज बड़ा जो पॉइंट है 8, 8 का मतलब क्या होता है कि 1.5 मीटर तक आपका फ़ोन पानी में सर्वाइव करेगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगा, 30 मिनट तक सर्वाइव करेगा। तो मान लीजिए किसी का फ़ोन में अगर IP68 प्रोटेक्शन है तो वो हो गया एक तो डस्ट प्रूफ, 8 का मतलब होता है वाटर रेजिस्टेंट, 1.5 मीटर तक वो पानी में उसका फ़ोन झेल पाएंगे। अब ये हो गया IP68 का कहानी। आप आ जाते हैं हम लोग 5ATM का मतलब क्या होता है, ATM 5 ATM 10। ATM का 5 मतलब क्या होता है कि अगर आपका फ़ोन पर किसी का अगर डिवाइस 50 मीटर तक पानी में आप सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 5ATM का जो स्मार्ट वॉच होता है वो आप उसको लेकर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। अब वो क्या होता है, 50 मीटर तक पानी का वो जो भी उसका यह है वो झेल लेगा। अब 10 मीटर आते हैं, 50 मीटर, 10 मीटर, 10 का मतलब 100 मीटर, ऐसा करके नंबर बढ़ता जाएगा, 20 आएगा, 200 आएगा। तो IP68 का सिंपली मतलब क्या होता है, डस्ट प्रूफ है, पानी का जो प्रोटेक्शन है वो आपको 1.5 मीटर तक पानी सर्वाइव कर पाएगा। और 5ATM का मतलब क्या होता है, पूरा पूरी ये वाटर रेजिस्टेंट बोला जाता है इसको, 50 मीटर तक पानी का ही सर्वाइव करेगा। तो ये था आज का कहानी, मेनली आपको समझ में आ गया होगा IP68 और ATM 5 के बीच में क्या अंतर है। आप इसी के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है आप तो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा। और आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है, समझ तो रहेंगे, आप लोगों का जो लाइक कमेंट हमको बहुत ज़रूरी है। तो यही था आज बोलने का वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।